दोस्तों, भारत में लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे सामने आ गए हैं, जिनमें प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार की शानदार जीत भी हुई है। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में इस बार कई बॉलीवुड सितारे भी अलग अलग जगहों से चुनाव के मैदान में उतरे थे। ऐसे में आज हम आपको उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस चुनाव में बुरी से हार गए हैं। आइए जानते हैं इन सितारों के नतीजों के बारे में। हेमा मालिनी। बॉलीवुड फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी साल 2004 में बीजेपी में शामिल हुई और मथुरा लोकसभा सीट से इस बार भी प्रत्याशी हैं, जो भारी वोटों से राष्ट्रीय लोकदल के कुंवर नरेंद्र सिंह को करारी हार देने में सफल हुई। सनी देओल। बॉलीवुड के दमदार हीरो सनी देओल भी भाजपा के टिकट पर गुरदासपुर से चुनाव लड़ रही हैं, जिन्होंने इसी साल भाजपा को ज्वाइन किया है, जो कांग्रेस के सुनील कुमार जाखड़ को हरा चुके हैं। किरण खेर। चंडीगढ़ की संसदीय सीट से मशहूर फिल्म अभिनेत्री किरण खेर भाजपा की ओर से लड़ते हुए कांग्रेस के पवन कुमार बंसल को हरा दिया है। मनोज तिवारी। बॉलीवुड और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी साल 2009 में समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, जिसके बाद साल 2014 में वह भाजपा में शामिल हुए, जिन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली से लड़ते हुए कांग्रेस की शीला दीक्षित को पीछे छोड़ जीत गए हैं। रवि किशन। बॉलीवुड और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन योगी के गढ़ गोरखपुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार राम भुवाल को हरा चुके हैं। स्मृति ईरानी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने गृह क्षेत्र अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने हार गए हैं। हंस राज हंस ने एएपी के गुगल सिंह और कांग्रेस के राजेश येलोथिया के खिलाफ उत्तरी दिल्ली लोकसभा सीट से भारी मतों से जीत गए हैं। उर्मिला मातोंडकर। इसी साल कांग्रेस पार्टी से जुड़ी उर्मिला मातोंडकर उत्तरी मुंबई से लड़ रही थी। पहली बार राजनीति में उतरी उर्मिला मातोंडकर उत्तरी मुंबई से लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शेट्टी के सामने हार चुकी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा। कांग्रेस के उम्मीदवार और पटना की साहिब लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने हार गए। प्रिया दत्त। अभिनेता सुनील दत्त की बेटी और संजय की बहन प्रियंका दत्त मुंबई में नॉर्थ वेस्ट से कांग्रेस से प्रत्याशी थी, जिन्हें भाजपा की पूनम महाजन के सामने करारी हार मिली है। राज बब्बर। एक्टर और कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को बीजेपी के राजकुमार चाहर ने 82.2% की बढ़त से फतेहपुर लोकसभा सीट से हरा दिया है। पूनम सिन्हा। पूर्व एक्ट्रेस पूनम सिन्हा को लखनऊ लोकसभा सीट से गृह मंत्री और बीजेपी कैंडिडेट राजनाथ सिंह ने करीब 272,749 वोटों से हरा दिया। प्रकाश राज। भाजपा के प्रत्याशी पीसी मोहन ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार अभिनेता प्रकाश राज को करारी हार दी है। जया प्रदा बीजेपी के टिकट से उत्तर प्रदेश के रामपुर से चुनाव मैदान में थी। यूपी रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान ने यूपी के रामपुर में जया प्रदा के खिलाफ सबसे अधिक 1,40,000 वोटों से जीत गए हैं। बाबुल सुप्रियो। बॉलीवुड गायक बाबुल सुप्रियो साल 2014 में भाजपा में शामिल हुए थे, जो इस चुनाव में आसनसोल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने AITC के उम्मीदवार मुनमुन सिंह को 2,175 वोटों से हरा दिया है। दीपक अधिकारी। बंगाली फिल्मों के अभिनेता दीपक अधिकारी भी इस बार ममता बनर्जी की पार्टी TMC से पश्चिम बंगाल की घटल सीट से लड़ते हुए भाजपा की भारती घोष को हार दे चुके हैं। मुनमुन सिंह। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से आसनसोल काफी हाई प्रोफाइल सीट से चुनाव में उतरी। बीते वक्त की बॉलीवुड एक्ट्रेस रही मुनमुन सिंह भाजपा के बाबुल सुप्रियो के सामने हार गई हैं। नुसरत जहां। बसीरहाट लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी और बंगाली फिल्म इंडस्ट्रीज की खूबसूरत एक्ट्रेस नुसरत जहां भाजपा के सयंताना बासु के सामने हार गई हैं। मिमी चक्रवर्ती। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की कैंडिडेट और बंगाल की खूबसूरत अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती कोलकाता के जाधवपुर सीट से भाजपा के कैंडिडेट अनुपम हाजरा के सामने हार गई। दिनेश लाल यादव निरहुआ। भोजपुरी फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से सपा के नेता अखिलेश यादव के सामने हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।